हाय एवरीवन दिस इज़ वनिका आज हम बात करेंगे वाटर ट्रेन्स के बारे में यानी जो ट्रेन्स पानी लेके जाती हैं किस तरह से वो मगर्ज यानी क्रोकोडाइल्स की राजस्थान में हेल्प कर रही हैं पूरा क्या ये न्यूज़ है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी बाकी राजस्थान स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं राजस्थान पी राजस्थान जुडिशरी जी राजस्थान एस एस सी एस आई टी ई टी ई एम आई पर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं आप कॉल करके इन कोर्सेस के बारे में जान सकते हैं बाकी फिलहाल आज लास्ट डे है हमारे यूपीएससी आई एस जो हमारा मेन कोर्स है प्री प्लस मेन का स्मार्ट कोर्स इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है आपको बता दें इतना एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कोर्स जो है वो बनाया गया है बहुत डिटेल में ये कोर्स कवर है अगर आप कोई भी कोर्स देखेंगे आपको ये कोर्स बहुत बेहतर ये कोर्स आपको लगेगा जो स्टडी आई के द्वारा एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है और इतने सस्ते में ये कोर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन और प्लस डबल वैलिडिटी है थर्टीएथ अप्रैल तक इस कोर्स की तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर ये कोर्स एक बार इसकी डेमो वीडियोस देखें ये कोर्स खरीदें आप डिस्काउंट कोड यहाँ पे वीरो फ्लैश भी यूज़ कर सकते हैं ये वाले बेनिफिट्स इसके लेने के लिए राइट चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं इंडियन रेलवेज जो है वो पानी डिलीवर कर रही है पाली डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न राजस्थान की बात कर रहे हैं काफ़ी दिनों से अब यहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ थी एरियाज़ में वो सूख चुकी हैं वैसे ही आप देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख ही रहे हैं कि जितना भी आपका वेस्टर्न वाला रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट वेव्स इस बार हैं तो ऑलरेडी मार्च में ही यहाँ पे वाटर बॉडीज़ जो हैं वो सूख चुकी थी और जो ट्रेन्स हैं ये जो ह्यूमन रेजिडेंट्स के साथ साथ वहाँ पे जो रेप्टाइल पॉपुलेशन है जैसे मगर्स हैं क्रोकोडाइल्स हैं वो भी इसी पानी के बलबूते सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वाटर बॉडी सूख चुकी हैं तो इससे कितना ज़्यादा नुकसान है वाटर बॉडी सूखने का लोगों को तो पीने का पानी मिल नहीं रहा जानवर भी इससे बहुत परेशान है तो दोनों पर्पज़ यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं और किस तरह से इंडियन रेलवेज यहाँ पे पानी पहुँचा रही है वाटर ट्रेन्स की वजह से ही यहाँ पे जो मगर्स हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इस तरह से आप वाटर ट्रेन्स देख सकते हैं कि जिनकी वजह से ये सर्वाइवल वहाँ पर पॉसिबल है अब ऐसा क्यों हो रहा है ये एक क्वेश्चन है डेफिनेटली अर्ली हीट मार्च में कभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी लेकिन इस बार एक्सट्रीम और अर्ली हीट मार्च में देखी गई है जिससे ये पानी रिलीज़ करवाया जा रहा है कि एटलीस्ट वहाँ पे पहुँचे जवाई डैम जो कि जवाई रिवर ये जो ट्राइब्यूट्री है लू, लूनी की जो कि पाली के थ्रू जाती है तो वहाँ से पानी इनिशियली रिलीज़ रिलीज जो है वो किया गया लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट है पाले डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अच्छे से रेन्स भी नहीं हुई हैं अगर आप लास्ट ईयर से देखेंगे अच्छी रेनफॉल बिल्कुल नहीं हुई है लेकिन पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि पानी बिल्कुल सूख चुका है और डैम भी एम हो चुकी है यूजली इतनी जल्दी एम नहीं होती है लेकिन इस बार एम हो चुकी है खाली हो चुकी है मोक्यूरी अगर आप देखेंगे फोर्टी डिग्रीज़ तक पहुँच गया है सेल्सियस की बात करी बारमेर में फोटी फ़ोर पॉइंट डिग्री सेल्शियस पहुँच चुका है जैसलमेर में और पॉसिबिलिटी यही है कि वाटर क्राइसिस और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा गर्मी और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होती जाएगी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने येलो अलर्ट भी दे चुके हैं वो लोग हीट वेव्स का और ऑरेंज अलर्ट दे चुके हैं बहुत से एरियाज़ में हीट वेव्स के लिए अगले कुछ दिनों तक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट किया इंडियन रेलवेज़ का कि आप हमारी मदद करते रहे इस वाटर क्राइसिस को डील करने में दो ट्रेन जो हैं जोधपुर से वो पानी सप्लाई कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में ये नंबर इंक्रीज़ हो सकता है चार ट्रेन तक भी जा सकता है अगर ये क्राइसिस और ज़्यादा ख़राब होता गया क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है अब ह्यूमन रेजिडेंट जो लोग हैं वहाँ के वो अपनी प्यास भी उसी पानी से मिटा रहे हैं और अराउंड 350 मगर क्रोकोडाइल्स हैं जवाई डैम में जिनका वो घर है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनको भी तो पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए तो वो भी अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं वाटर ट्रेन सर्विसेज अगर आप देखेंगे काफ़ी पहले से भी शुरू की गई थी 2009 2019 में भी इस तरह से वाटर ट्रेन चलवाई थी पाली और मारवाड़ रीजन में ये ट्रेन पानी मल्टीपल सोर्सेज इंदिरा गांधी केनाल प्रोजेक्ट्स डैम ट्यूबवेल्स से अलग अलग जगह से पानी इकट्ठा करके लाती हैं और आप देखिए अब ट्रेन भी चला रहे हैं तो उसका भी पैसा लगेगा वो भी कॉस्ट लगेगा तो जो वाटर कैरी कर कर रही है ट्रेन रुपीज फिफ्टीन लाख पर डे एक दिन का पंद्रह लाख ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो कि स्टेट डिजास्टर एंड रिलीफ फंड वाले उनका जो कंटीजेंसी प्लान है उसके थ्रू उसको पूरा किया जा रहा है अब 2005 के बाद ये फोर्थ टाइम है कि पाली डिस्ट्रिक्ट में पानी की कमी हुई है और ट्रेन सर्विसेज चलाई जा रही हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एट्टी लाख लीटर्स पानी जो है उसको पाली एवरी डे भेजा जा रहा है वहाँ के लोगों के लिए और मगर्स के लिए अस्सी लाख लीटर आप समझ सकते हैं बहुत होता है हर दिन पाली मारवाड़ रीजन को ये पानी दिया जा रहा है वन सिक्सटी वेगन्स जो हैं चार ट्रिप्स में भगत की कोठी इन जोधपुर टू पाली स्टेशन यहाँ तक ये आ, सारे वेगन्स आपके चल रहे हैं और जो पानी यहाँ पे जोधपुर से आ रहा है वाटर ट्रेन से उसको पहले फ़िल्टर भी करवाया जा रहा है क्योंकि लोगों को आफ्टर ऑल वही पानी पीना है तो पहले उसको फ़िल्टर भी करवाया जा रहा है फ़िल्टर करने के बाद उसको पाली सिटी को सप्लाई किया जा रहा है ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो भी होगा जब तक ट्रेन हैं तब तक तो ऐसे ही चल रहा है बट दे है अरेंजमेंट ऑल्सो तो ये तो ह्यूमन रेजिडेंस और पाली सिटी की मैंने बात की अब वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया थ्री फिफ्टी मगर क्रोकोडाइल्स हैं जवाई डैम में जिनका वो घर है और ये ट्रेंड्स यहाँ पे पानी जिस तरह से आ रहा है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को भी एलोकेट किया जा रहा है कि ह्यूमंस को कितना दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ को भी दिया जाएगा ये एक लोकल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने बताया है क्योंकि ये सब प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है कि तो देखिए नो रेन्स टाइम पर रेन्स नहीं हुई आपकी हीट वेव्स की वजह से सब सूख चुका है रिजर्वर्स आपके सूख चुके हैं क्योंकि अर्ली रिलीज़ करना पड़ा पानी में और आपकी जो है है। बिल्कुल सूख चुकी है। अब ये पानी अगर को मिलेगा तभी के कर पाएंगे। ये जो पानी है, 10 का पानी जो है वो चाहिए जो कि तीन फीट तक हो चुका है ये क्रोकोडाइल्स जवाई या मगर्स इनको मार्च क्रोकोडाइल्स आप बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर स्पेशलिस्ट हैं पूरे साउथ एशिया में पाए जाते हैं इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल बांग्लादेश में और साउथ ईस्टर्न ईरान में भी मगर ये सिक्स टू थर्टीन फीट एवरेज इनका मेजरमेंट है और 70 टू 80 इयर्स इनका लाइफ स्पैन है कि जितना ये अपना लाइफ काटते हैं ये स्पीशीज़ जो है पहले बहुत से एरियाज़ में थी देन आपने देखा बहुत बार क्रोकोडाइल्स पे जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हमारे चले हमने उनको मूव भी करवाया एक जगह से दूसरी जगह लेकिन ये अब प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ही यूजली पाए जाते हैं इंडिया और श्रीलंका में मगर फिफ्टीन इंडियन स्टेट्स में पाए जाते हैं लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको मिडिल गैन्जेस यानि बिहार झारखंड और चंबल मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान जो बेसनस हैं वहां पर आपको मगरस की पॉपुलेशन मिलेगी अब मगरस को मेन थ्रेट अभी तक यही था कि उनका हैबिटेट लॉस हो रहा था एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की वजह से या फिशिंग नेट्स में फंस जाते थे उनके एग्स के लिए उनको पोच किया जाता है उनकी स्किन के लिए उनकी इलीगल ट्रेड उनके मीट के लिए इलीगल ट्रेड की जाती है लेकिन अब एक नई थ्रेट आ चुकी है वाटर क्राइसिस आप कह लीजिए क्लाइमेट चेंज एक नई थ्रेट है इनके सर्वाइवल को मगर क्रोकोडाइल पैलोस्ट्रस मीडियम साइज होता है और स्नाउटेड अगर आप इसको देखेंगे ऐसे स्नाउटेड ब्रॉड स्नाउटेड है इसका आगे वाला फेस जो है और फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाया जाता है मार्शेस लेक्स में भी रिवर्स में आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में और लैंड पे भी ये सूटेबल वाटर बॉडीज के लिए समर सीजन में बाहर निकल के आ सकता है जो यंग क्रोकोडाइल्स हैं उनको उनके पेरेंट्स एक साल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो यंग क्रोकोडाइल्स हैं इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं एडल्ट्स जो हैं वो फिश पे बर्ड्स पे रेप्टाइल्स और मैमल्स पे प्रे करते हैं इस स्पीशीज को वालरेबल कहा गया है आयु सी रेड लिस्ट में नाइनटीन से ही बाकी नेचुरल हैबिटाट्स जैसे जैसे इनके कन्वर्ट हो रहे आर्टिफिशल हैबिटाट्स में या नेट्स में जैसे फंस जाते हैं तो मेजर इनको उस तरह की थ्रेट्स रहती हैं तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी आई यू सी एन में वॉलरबल है साइट्स में अपेंडिक्स वन में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू में स्किड्यूल वन में ये आते हैं सो दिस इज देयर साइकिल एग्स हेचलिंग जोवेनाइल यानी यंग क्रोकोडाइल दैन द एडल्ट क्रोकोडाइल इस तरह से लाइफ साइकिल चलता है अब क्रोकोडाइल्स की मेजर बहुत सारी स्पीशीज हमने बहुत बार डिस्कस किया है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है क्रोकोडाइलस पोरोसस ये लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल इसको दुनिया का कहा जाता है इस पर हमने अलग से वीडियो भी बनाई थी कि भिटार कनिका उड़ीसा में जो है वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबंस में ये क्रोकोडाइल्स रहते हैं कोस्टल एरियाज अंडेमान निकोबार आइलैंड्स के वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं सो so, इस तरीके से ये कुछ दिखता है क्रोकोडाइल्स पोरोस फिर घड़ियाल आता है आपका ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है लॉन्गेस्ट लिविंग क्रोकोडिलियन में से एक है इंडियन सबकॉन्टीनेंट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है इसका एंड uh, उसके बाद क्वेश्चन से पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि ऑलमोस्ट कोई भी क्रोकोडाइल है कोई भी एनिमल है हैबिटेट लॉस मेजर एक फैक्टर माना जाता है किसी की भी पॉपुलेशन कम होने का तो अब ये सिर्फ़ ये जो ये गैरियालिस गैंगटिकस है घड़ियाल चंबल रिवर में ही पाए जाते हैं तो मेन हमने आज यही कवर किया कि पाली डिस्ट्रिक्ट का किस तरह से बुरा हाल है बिल्कुल पानी नहीं है और किस तरह से वाटर ट्रेन्स चलाई जा रही हैं वहाँ पर पानी कमी पूरी करने के लिए लोगों के लिए भी और वाइल्ड लाइफ के लिए भी अब क्वेश्चन है आपके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज द मेन कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट नन ऑफ द दफ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं बाकी यू कैन विजिट कोर्सेज के लिए वेबसाइट डाउनलोड द एप्लीकेशन कोर्सेज ई एम आई पे भी अवेलेबल हैं देखिए इतने सारे ऑप्शन आपको स्टडी आई क्यू पर मिलेंगे और जैसे मैंने बताया वीरो फ्लैश करके अभी आपका डिस्काउंट कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको ये कोर्स नाइन 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 में मिलेगा और प्लस डबल वैलिडिटी मिलेगी और कोर्स के बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं जो आप कॉल करके जिनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं थैंक यू सो मच